24 न्यूज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भिंड में संभागीय सम्मेलन कर शासन को बताई अपनी परेशानी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना काल में संकट से जूझ रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों का सबक का बांध जब टूट गया जब बिजली विभाग द्वारा स्कूल संचालकों के नाम बकायादारों की सूची में शामिल कर सार्वजनिक पोलों पर चश्मा कट लिए। इस पर प्राइवेट स्कूल संचालकों की प्रदेश कार्यकारिणी को जब इसका पता चला तो उन्होंने शासन को आगाह करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के प्राइवेट स्कूल संचालकों में आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप तौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष तथा ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुरी अशोकनगर शिवपुर गुना जिले के जिला अध्यक्षों के साथ प्रत्येक जिले के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट स्कूल के संचालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने आम राय बनाते हुए ये निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द हमारे हितों को ध्यान रखते हुए आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति की राशि खातों में नहीं डलवाई है और बिजली विभाग द्वारा यदि स्कूल संचालकों के साथ बकाया बिल के संबंध में उनके साथ जुल्म और प्रताड़ित किया गया तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलावार ब्लॉकवार और नगरवार आंदोलन कर अपनी जायज मांगों को मनवाया जाएगा। इस मौसम पर भिंड विधायक संजीव सिंह ने कार्यक्रम में आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा सन में मेरे द्वारा आपकी जायज मांगों की आवाज को 100% उठाया जाएगा। भिंड विधायक संजीव सिंह अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, शैलेश शर्मा स्कूल संचालक, रामाधर सर्राफ स्कूल संचालक, श्री कृष्ण ब्यूरो चीफ भिंड मध्य प्रदेश। बिजली विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से स्कूल संचालकों के ऊपर दबाव देकर और बिल ज्यादा दिया जा रहा है, जबकि हम लोग कोरोना काल में स्कूल भी बंद रहे। मध्य प्रदेश शासन की इन गतिविधियों के कारण हम लोग भारी पीड़ित हैं और यही समस्या को लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग की है और मध्य प्रदेश शासन को आगाह किया है कि अगर हमारे द्वारा जो है बिजली विभाग का बिल पर गौर नहीं किया जाएगा तो हम एक जन आंदोलन चलाएंगे और इसमें हम सारे लोग एक हैं।